हाय माई ब्यूटीफुल एंजलिक पीपल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे पॉजिटिव होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड मोर uh, ओवर अच्छी अच्छी चीजों को अपनी लाइफ के अंदर ला रहे होंगे है ना तो आज की जो रीडिंग है आज की रीडिंग का टॉपिक क्या है आप लोगों ने थमनेल में देख ही लिया होगा फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ आज हम देखने वाले हैं दिस इज अ कलेक्टिव जनरल रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू गाइज कि आखिरकार आपको नेक्स्ट 15 डेज में दिस इज 15 डेज प्रडिक्शन ठीक है नेक्स्ट 15 डेज और ये नेक्स्ट 15 डेज ये टाइमलेस रीडिंग है कोई टाइम नहीं है यहां पे टाइम इन्वॉल्व नहीं है तो हो सकता है आप जब भी देखें मैं इसे पोस्ट कर रही हूं आज 31 जुलाई 2021 में इस वीडियो को लेकिन मैं इसे टाइमलेस बना रही हूं तो आप जब भी देखेंगे इस वीडियो को उसके पंद्रह दिन तक ये वैलिड है ठीक है आप देखें आपके साथ क्या होने वाला है क्या अच्छे अच्छे बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों की जिंदगी में आने वाले हैं सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे रीडिंग फॉर दी ऑल साइन एरीज लियो सेजिटेरियस जिमनाइ लिब्रा एक्वेरियस टॉर्स फॉर कैप्रिकॉन कैंसर स्कॉर्पियो फाइसिस फॉर एवरी पीपल ठीक है एवरी पीपल विच इज वॉचिंग दिस वीडियो सेवन ऑफ सोट्स का कार्ड है जेमेनाय लिब्रा एक्वेरियस आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं या जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो हो सकते हैं फोर ऑफ वॉन्स का कार्ड है एरीज लियो सेजिटेरियस सॉरी सेवन ऑफ सो जेमेनाय लिब्रा एक्वेरियस देन वी हैव सन ब्यूटिफुल 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 सन का कार्ड है अच्छा मुझे बताएं आज मैं ठीक लग रही हूं आप लोगों को थ्री ऑफ वॉन्स कार्ड है यहां पे बॉटम ऑफ द डेक सो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली चीज आप लोग हो सकते हैं जेमेना लिब्रा एक्वेरियस आप लोग हो सकते हैं टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है टॉरस वर्गो का कैप्रिकॉन का कार्ड मैं नहीं देख रही हूँ बट आई एम फीलिंग दैट वाइब्स और आप लोग हो सकते हैं लियो हो सकते हैं कैंसर हो सकते हैं आप लोग ठीक है एंड आप लोग आप लोगों का मैं वैसे तो सन मून राइजिंग वीनस सारे ही साइंस को यहाँ पे मैं रीड आउट करने की कोशिश करती हूँ बट मुझे यहाँ पे सन साइंस बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं कि आप सन साइंस हैं ओके एनी चलिए शुरू करते हैं रीडिंग तो आ, मैं ये नहीं बताने वाली हूँ आज क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है हम डायरेक्ट मूव करेंगे आगे की तरफ नेक्स्ट फिफ्टीन डेज आप लोगों के लिए लाइफ टाइम चेंजिंग वाले साबित हो सकते हैं अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा पहले मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी फिर मैं करियर के बारे में बताऊंगी फिर मैं लव के बारे में बताऊंगी टाइम्स टाइम्स दे दूंगी आप लोग उसके हिसाब से देख लीजिएगा अगर मैं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताऊं तो बहुत ज्यादा मेच्योरिटी आने वाली है आप लोगों के अंदर आप काफी ज्यादा पैशनेट होने वाले हैं चीजों को लेकर के आपको कुछ ऐसे मेडिटेशन टिप ट्रिप्स एंड ट्रिक्स पता लगने वाले हैं या फिर आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें पता लगने वाली हैं जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा पॉजिटिव एंड हैप्पी महसूस करेंगे आप मतलब देख रहे हैं यहाँ पे कार कितना खूबसूरत है कर्मा वाटर से आप एक पॉजिटिव प्योर वाटर की तरफ बढ़ जाएंगे आप काफी ज्यादा बैलेंस होने की कोशिश करेंगे हो सकता है आप लोग ट्रिन फ्लेम्स हो पीपल ठीक है एंड या फिर आप लोग सोलमेट्स भी हो सकते हैं किसी के साथ सोलमेट रिलेशनशिप में हो सकते हैं आप ठीक है तो आप काफी ज्यादा मूव फॉरवर्ड वाली कंडीशन में आ जाएंगे जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके दिल में दिमाग में एक ही थॉट रहेगा कि आई एम द बेस्ट एंड आई हैव टू बी बेस्ट फॉर माई कर्मा क्लिनजिंग यानी कि कुल मिला कि अगर मैं बोलूँ तो स्पिरिचुअल ग्रोथ मुझे बहुत ज्यादा अच्छी नजर आ रही है यहाँ पे प्लानिंग के हिसाब से आप स्पिरिचुअली ग्रो करने वाले हैं आ क्योंकि मैं जो चीज यहाँ पे देख रही हूँ ना लाइक फिक्सेशन एक तरीके का जो मैं देख रही हूँ वो है कि आप अभी हाल फिलहाल काफी ज्यादा इम्बेलेंस एनर्जी में चल रहे हैं आप प्लान्स बहुत सारे कर रहे हैं आप होप्स बहुत सारी चीजों की कर रहे हैं लेकिन चीजें सही नहीं हो पा रही हैं आपके साथ यू आर नॉट फीलिंग फुलफिल अबाउट एनीथिंग फाइव ऑफ सोच का कार्ड है यहाँ पे कभी कभार आपको बहुत ज्यादा लॉस फील होता है एंड देन आपके एनर्जीज आपको बताने की कोशिश करती है आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं आपके जो एंजल्स हैं कि नहीं भाई नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ इट हैव इट हैज टू बी लाइक दैट इसको ऐसा ही होना था ऐसा ही है इसको आप सही कर सकते हो इजी कर सकते हो बदल नहीं सकते हो सिक्स ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है हमारे पास एंड ए कार्ड और मैं निकालूंगी अच्छा ये देख लेते हैं टू ऑफ पेनिकल्स ठीक है तो स्पिरिचुअली काफी ज्यादा मेच्योर आप महसूस करने वाले हैं स्पिरिचुअली काफी ज्यादा एक्टिव आप लोग फील करने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ नया ट्राई करने वाले हैं आप लोग जिससे ना आपको अंदर की शांति मिलेगी आपको पीस ऑफ माइंड पीस ऑफ सोल मिलने वाला है आप जो ऐसे महसूस कर रहे थे ना कि मेरे लाइफ में तो कुछ भी वर्थ इट नहीं है वो आपको वर्थ इट फील होने वाला है ठीक है तो स्पिरिचुअली मिच्योर्ड एनर्जी मैं यहां पे देख रही हूं ठीक है चलिए अब मैं थोड़ा सा करियर की बात बताऊं तो करियर में मेरे को नई ग्रोथ नजर आ रही है पॉजिटिविटी नजर आ रही है अगर आप किसी चीज की तमन्ना करके बैठे हुए थे काफी टाइम से लाइक काफी टाइम से अगर आप सोच रहे थे कि मुझे यहाँ पे निवेश करना है इन्वेस्टमेंट करना है मुझे ये करना है वो करना है चाहे वो डायमंड में हो चाहे वो प्लॉट वगैरह लेने में हो ठीक है कोई एरिया वगैरह कोई जमीन वगैरह लेने में या फिर अगर आप लोग सोच रहे थे कि मुझे ना कैसे ना तैसे करके इतना पैसा जोड़ना है ताकि मैं ये आरडी खुलवा सकूं या एफ खुलवा सकूँ वो चीजें होती हुई मुझे यानी अग्रसर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं आप बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग के साथ सारी चीजें बता रही हूं ये जनरल रीडिंग है हो सकता है ऐसा हो आपके साथ में अब ऐसा तो है नहीं कि सबके सब भी वो लकी ड्रॉ वाले कार्ड ले आओ इनाम वाले और सोचने की कोशिश करो इस बार तो खुलेगा ही खुलेगा ठीक है तो मैं इसलिए बता रही हूँ तो बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा आप लोगों की जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव आएगा आपके करियर के अंदर न्यू अपॉर्चुनिटीज न्यू बिगनिंग्स मिलेंगी आपको कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा मिलेगा जिसकी वजह से आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे एंड एक चीज और मैं यहाँ पे देख रही हूँ बिकॉज ऑफ योर पॉजिटिव नेचर बिकॉज ऑफ योर स्ट्रगल एंड योर कहो कि हार्डवर्क आप लोगों को विद दिस टू ऑफ पेनिकल्स एंड सिक्स ऑफ पेनिकल्स बहुत कुछ अच्छा भी हासिल हो सकता है ये अच्छा क्या होगा मैं बता दूं कि आप हो सकता है दो से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज अपनी लाइफ में ले लें ठीक है दो से ज्यादा दो से या तीन से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज अपनी लाइफ में ले लें एंड आप ये फिर सोचना शुरू करें कि हाय राम वट विल आई हैव टू चूज मुझे क्या चूज करना चाहिए क्या मेरे लिए बेटर रहने वाला है तो ये भी आपके साथ होने को है ठीक है आगे आने वाले समय में बस इस उधेड़ बुन में कि क्या चूज करूं क्या नहीं चूज करूं कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस मत कर देना अदरवाइज आप डिसअपॉइंटेड फील कर सकते हो ठीक है तो बिग हैप्पी चेंजेस फॉर द करियर पीपल यहाँ पे आ रही है बिग ब्यूटिफुल रिस्पॉन्सुनिटीज विद बिग ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटीज जिसमें से आपको एक अच्छी चीज को पिक करना है एंड ये पंद्रह दिन आपके बहुत ही ज्यादा खुश खुशगवार वाले जो होते हैं ना वो बीतने वाले हैं जहां पर आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलने वाली है ठीक है चलिए अब बात करते हैं लव में है ना अब हम बात करेंगे लव में तो लव में मुझे यहाँ पे एक चीज जो बहुत ही ज्यादा स्पेशल नजर आ रही है वो है शादी फॉर मैनी ऑफ यू 2021 चलो मैं इस चीज के ऊपर वीडियो भी बनाऊंगी जल्द से जल्द कि इस 2021 में आप लोगों की शादी होने वाली है या नहीं या फिर हम एक काम करेंगे इंस्टा के ऊपर पिक अ कार्ड रख लेंगे ठीक है तो क्योंकि छोटी सी एडिटिंग है ना तो इसके ऊपर वीडियो बनाने से ज़्यादा अच्छा रहेगा टाइम बचेगा हम लोगों का मेरा भी बचेगा आपका भी बचेगा तो हम एक काम करेंगे इंस्टा के ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर पिक कार्ड रख लेंगे तो आप लोग वो चूज़ कर लीजिएगा आंसर मैं हैंड टू हैंड नहीं बताऊँगी पहले मैं चेक इन करूँगी एंड देन आप लोगों को बताऊंगी इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है यू कैन गो एंड फॉलो मी देयर ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट तो जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना एक खुशी वाली चीज़ वो है कि शादी बहुत लोगों के लिए मैरिज के बहुत अच्छे चांसेस है 2021 में आपकी शादी आपके पार्टनर के साथ हो सकती है अगर घर वाले नहीं मान रहे हैं क्योंकि मून का भी कार्ड है और हो सकता है इसीलिए आप डिसअपॉइंटेड एंड लॉस भी महसूस कर रहे हैं तो ये चीजें खत्म होने वाली है आपकी लाइफ से मतलब किसी तरीके का ठोस पॉजिटिव आउटकम आपको मिलने वाला है बिकॉज एक चीज मैं आप लोगों को बता दूँ कि लाइफ इज सो अनप्रडिक्टेबल आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हो ले लेकिन एक्चुअली में अनप्रडिकेबल सी है क्यों क्योंकि ये सब कुछ आपके सोच पर निर्भर करता है आप क्या सोच रहे हो हाल फिलहाल जैसे सपोज करें आप बहुत गंदा सोच रहे हो तो आपके साथ साथ गंदा ही होना होना बहुत अच्छा और अच्छा और और पॉजिटिव पॉजिटिव सोच रहे हो तो होना आपके आपके लेकिन ये ऊपर निर्भर करता है माई ब्यूटिफुल पीपल कि आप किस एनर्जी के ऊपर अपनी जो है एनर्जी लगा रहे हो जैसे सपोज करो कि कोई बहुत ही बेकार इंसान है कोई कार्मिक है आपका और आप उसके ऊपर अपनी पॉजिटिव एनर्जी फेंकने की कोशिश कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो उसका क्या काम है अपना कर्मा रिलीज करना तो तो कर्म रिलीज करेगा ही करेगा ठीक है आप चाहे उसके लिए गंगा जी में भी भी खड़े हो जाओ तो भी वो आपको निहाल करने वालों में से नहीं है दिस इज द रॉ ऑफ कार्मिक रिलेशनशिप अब कार्मिक सोलमेट की सुन लो कार्मिक सोलमेट का चक्कर यह है कि भले से वो सोलमेट है वो आपको दुख नहीं देना चाहता बट द थिंग इज वो जो कार्मिक जुड़ा हुआ है ना वहां पर वो उसको दुख देने पर मजबूर करेगा ही करेगा उससे कर्मा रिलीजिंग के लिए गॉड स्टार्ट के ऊपर लिंक डिस्क्रिप्शन में है गॉड्स टैरक्ट के ऊपर मैंने कार्मिक प्रेयर दे रखी है वो आप करा करें रोज रात को दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू तो मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कमिटमेंट आता है कुछ लोगों के लिए मुझे प्रपोजल आता हुआ नजर आ रहा है कुछ फीमेल व्यूवर्स जो है यहाँ पे वो कंसीव कर सकती हैं प्रेग्नेंट हो सकते हो आप लोग ठीक है अगर आप काफी टाइम से बेबी का वेट कर रहे थे तो फिर हमारे पास कंपेटबिलिटीज तो ब्यूटीफुल कंपेटेबिलिटीज़ एंड सिनेरियोस बनेंगे नेक्स्ट 15 डेज में आपके पार्टनर के साथ आपके आप काफ़ी ज़्यादा जॉयफुल एंड काफ़ी ज़्यादा हैप्पी महसूस करने वाले हो ल्यूमिनसिटी का कार्ड है चमक जाएगी जिंदगी खूबसूरती के साथ चमक जाएगी आपको बहुत सारे ऑफर्स ऐसा भी लग रहा है मेरे को अगर आप लोग सिंगल है लाइक टोटली सिंगल है तो आप लोगों की लाइफ में कोई न्यू पार्टनर आने वाला है क्रिएटिविटी का कार्ड है फॉर्श और सोलमेट होगा वो आपका ठीक है और ये पार्टनर मुझे तो वन वीक एंड वन मंथ में ही आता हुआ नज़र आ रहा है

और जिंदगी काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा हो गई है ठीक है देन है हमारे पास यहाँ पे लाइफ पर्पज बिकॉज दिस इज योर लाइफ पर्पज़ आप अपने लाइफ पर्पज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो स्पिरिचुअलिटी वाला सेक्शन मैंने आप लोगों को बताया था ना उसी के हिसाब से एंड बॉटम ऑफ द डेक कमिटमेंट का कार्ड है तो फॉर श्योर कमिटमेंट आएगा पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे मेच्योरिटी आएगी चीज़ें बहुत ज़्यादा सही होंगी और आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एंड अच्छा महसूस करने वाले हैं नेक्स्ट फिफ्टीन डेज ठीक है थोड़े से पावर एक्टिवेशन कार्ड्स भी देख लेते हैं कि आ, ये गाइडेंस हो जाएगा आप लोगों के लिए कि इन नेक्स्ट फिफ्टीन डेज में इन सारी चीजों को इन सारे मिरेकल्स को इन गुड चेंजेस को लाने के लिए आपने क्या करना जरूरी है अपनी लाइफ में ठीक है सो दिस इज पावर एक्टिवेशन कार्ड ग्रैटिट्यूड दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टिंग एनीथिंग मेरा फेवरेट है ये मुझे मजे से आ जाते हैं जैसे कि अगर मैं कभी किसी दिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस भरी सिचुएशन में हूँ ना जैसे सपोज करें कि वो काम हो गया जिससे मैं घबराती हूँ क्योंकि भाई घबराहट तो मुझे भी होती है ना हर इंसान को होती है क्योंकि हम भले से ही अच्छे अच्छे काम करके अपने आप को पॉजिटिव कर ले। लेकिन इंसानी तत्व जो है ना ये इंसान बॉडी जो है इससे जुड़ा हुआ है ठीक है ये जो खाल हमने पहन रखी है ना ये जो ये हमारी जो बॉडी है जो हमारा टेम्पल है इससे जुड़ा हुआ है ये तो वो थोड़ा बहुत आता ही है तो मैं क्या करना पसंद करती हूँ ग्रैटिट्यूड छोटी छोटी चीजों में ग्रैटिट्यूड आप देख पा रहे हो आपके पास फोन है ग्रैटिट्यूड आपके पास में टाइम है ग्रैटिट्यूड आपके पास में पॉजिटिविटी है ग्रैटिट्यूड आपके पास खाना है अच्छा खाने को कपड़े हैं अच्छे पहनने को लेटने को बिस्तर है लाइट है टीवी है पंखा है ग्रैटिट्यूड आप इतने काबिल हैं कि आप अपनी जिंदगी को पॉजिटिव कर सकें ग्रैटिट्यूड ठीक है तो ग्रैटिट्यूड प्ले प्रे करनी है आपने जॉय आपने अपनी जिंदगी में हमेशा हैप्पीनेस को प्रायोरिटीज देनी है चाहे जैसी भी गंदी कंडीशन चला रही है हंसना जरूरी है चाहे आप आधे मन से ही हंसो अगर आप अपने आधे मन से या ऊपर के मन से हंसोगे ना तो आपकी जिंदगी एंजल्स आपको और हंसी देंगे खुशी देंगे प्रायोरिटीज अभी आपको ये देखना है चाहे आपका दिल टूटा हुआ है चाहे बिखरा हुआ है चाहे जो भी सिनारियो चल रहा है सी बॉटम ऑफ द डेक प्रेजेंट इसी चीज की बात कर रही थी मैं कि चाहे अभी आपका दिल कैसा भी है परेशान है टूटा हुआ है बिखरा हुआ है आपको बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है जो भी है लेकिन अभी प्रायोरिटीज पे काम करो अगर अभी आपके लिए करियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप करियर पे ध्यान दो और एक ट्रस्ट के साथ ध्यान कि जो, अग मेरी जो लव लाइफ है या जो भी मेरी परेशानी चल रही है वो तो सही होनी ही है इन एनी हाउ लेकिन अभी मुझे प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए अभी मुझे प्रायोरिटी अपने करियर को देनी चाहिए क्योंकि आगे चल लव लाइफ तो मेरी ठीक हो ही जाएगी मेरी परेशानी तो सॉल्व हो ही जाएगी लेकिन ये समय नहीं आएगा ये टाइम पीरियड नहीं आएगा सो वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर प्रेजेंट विद दिस बॉटम ऑफ द डेक अपना विजन बदलो पॉजिटिव रहने की कोशिश करो अपने प्रेजेंट पे जीने की कोशिश करो कोई बात नहीं वो सारी चीजें सही हो जाए जो बुरी है अभी पार्टनर छोड़ के चला गया है मदर फादर नहीं मान रहे हैं करियर में कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं है ना कोई बात नहीं सब चीज का सोल्यूशन निकलेगा ट्रस्ट रखो डिवाइन पे ट्रस्ट रखो ठीक है लेकिन ऐसा नहीं कि घबरा गए और परेशान हो गए अरे भाई अब तो कुछ नहीं होने वाला है मेरा और बस मजनू बन के बैठ गए परेशान होकर बैठ गए नहीं प्रायोरिटीज पे काम करो आपकी अभी प्रायोरिटीज क्या बन रही है आपका करियर क्योंकि आगे आने वाले एक डेढ़ साल में एक डेढ़ महीने में अरे चलो ठीक है मैक्स टू तो मैक्स पांच साल में ये चीजें जो भी है प्रॉब्लम है सोल्यूट इनके सोल्यूशन मिल जाएंगे है ना सॉल्व हो जाएंगी ये लेकिन ये समय वापस नहीं आएगा फिर मत्था पीटते रहना आप कि यार उस टाइम इस पर फोकस कर लेते ना तो ये तो खैर ठीक हो ही गया देखो अब लेकिन वो चला गया मेरे हाथ से ठीक है तो आप उस पॉजिटिव मोमेंट को अपने मैनिफेस्टेशन को एंजॉय कर सको इसलिए अभी प्रेजेंट मोमेंट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है मैं इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सोचती रहती हूँ आप लोगों को पता है खुद को मैं सही रखने की बहुत कोशिश करती हूँ हमेशा बिकॉज हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई कोई ना कोई, कोई, कोई फैक्टर चलता रहता है मेरी लाइफ में भी चलता ही रहता होगा कभी हॉस्पिटल से लेके रिलेटेड या कभी घर से रिलेटेड ठीक है कभी कुछ पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मैं आप लोगों से एकदम खुल के बात करती हूँ ठीक है कुछ कोई पर्दा नहीं आप लोगों में और मुझ में तो ऐसा इसीलिए ही ताकि मैं आप लोगों से एक ट्रू एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं आप लोगों को ट्रू चीजें बता सकूं कि देखो ऐसा मेरे साथ भी होता है और मैं इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा करती हूं तो मैं क्या क्या फील करती हूं तीनों ही कार्ड में फील करती हूं ग्रेटिट्यूड फील करती हूं हर छोटी से छोटी चीज में खुश रहने की कोशिश करती हूँ जहां तक मुझसे बन पड़ता है प्रायोरिटीज के ऊपर ध्यान देने की कोशिश करती हूँ दैट मीन्स कि अभी मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट चल रहा है मैं उस पर ध्यान दू और ट्रस्ट रखती हूँ अपने परम पिताजी पर कि जो मेरे लिए हो रहा है वो बेस्ट हो रहा है एंड आई नो जो भी मेरा है जो भी चीज़ मेरी है वो मुझे मिलकर जरूर रहेगी ठीक है पिताजी मेरे साथ हैं पॉजिटिविटी मेरे साथ है अभी मैं थोड़ा सा इस पे ध्यान दे लेती हूँ ठीक है तो यही एटीट्यूड आप रखें पॉजिटिव रहें रिमेन सो दिस इज द थिंग ये तो मैं बोल रही थी कि थोड़ा पॉजिटिव रहो अच्छा सोचो सब सही होगा टेंशन लेने वाली बात नहीं है चीजें हैं सही हो जाएंगी परफेक्ट टाइमिंग पे चीज़ें सही हो जाएंगी दिस इज द ब्यूटिफुलनेस ऑफ कार्ड मुझे मुझे बहुत प्राउड है बहुत प्राउड है कार्ड्स के ऊपर एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव डेफिनेटली जो भी परेशानियाँ हैं वो सब कुछ परफेक्ट टाइमिंग पे सही हो जाएंगी आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है ये चीज़ मैं आप लोगों से अभी पिछले दस मिनट से बोल रही थी है ना अच्छा अब अगर किसी को लगता है कि मैं ज्यादा बकबक कर रही हूं तो भाई वो टैप टैप कर दे ठीक है लेकिन मैं अपने ट्रू एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करूंगी आप लोगों से बिकॉज ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सो इट्स अप टू यू यू वांट टू वॉच दिस वीडियो और नॉट बट जो रियलिटी है वो है चलिए यहां से भी कुछ कार्ड देखते हैं क्योंकि ना एक फंडा हमेशा रखना चाहिए जिंदगी के अंदर साफ कहो सुखी रहो वाली चीज जो है सो so है है ना सो so, आगे नेक्स्ट फिफ्टीन डेज में आपको सिक्योरिटी मिलने वाली है न्यू जॉब प्लस कार मिल सकती है कॉल प्लस टेक्स्ट प्लस आंसर्स मिल सकते हैं फ्रॉम योर स्पेशल पर्सन होप्स प्लस विशेज एंड डिवाइन लव आप लोगों को मिल सकता है ठीक है डिवाइन लव कॉल टेक्स्ट आंसर्स सिक्योरिटी न्यू जॉब और मुझे ये कार्ड तो मेरा फेवरेट है परफेक्ट टाइमिंग ठीक है सो परफेक्ट टाइमिंग पे सारी चीजें सही हो जाएंगी आप लोगों ने टेंशन लेने वाली कोई जरूरत नहीं है सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज रीडिंग आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी अगर आई है तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को शेयर करें सब्सक्राइब करें चैनल को नए आए हैं तो एंड किसी भी तरीके के पर्सनल पेड व्हाट्सअप सेशन के लिए आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं अपना अपना ध्यान रखिएगा खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा बाय